अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेलवे ने अभी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम लिए हैं उनके जो ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है वो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एसएससी जेडी के जो आपको बताया जा रहा है कि एसएससी जेडी में आपका 45 पे, 30 पे या 35 पे या 45 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या सच में आपका 40, 35 इस पे सिलेक्शन हो जाएगा, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें आपको सही जानकारी मिलेगी जिससे आपको आगे चलकर आपका नंबर इसमें लगेगा या नहीं, ये सब आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पे वैकेंसी की, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे स्टेट बताए जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, इन सभी अगर आप देखिए तो यहाँ पर वैकेंसी देखिए जो है, यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी अभी जो है एसएससी जेडी की तरफ से रिलीज कर दी गई है 16। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप वैकेंसी, इतनी कम वैकेंसी होने के बाद अगर यहाँ पे जो है इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं कि यहाँ पर अगर आपको 35 मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी जगह ऐसा नहीं है जहाँ पर 15,000, मतलब जो है यहाँ पर 16,000 या 15,000 वैकेंसी नहीं दी हुई है जिसमें आपका जो है 35 पे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको कोई बता रहा है कि आपका सिलेक्शन 35 पे होगा तो वो सरासर गलत बता रहा है, जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा और नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपको 35 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसका कट ऑफ यहाँ पर 35 गया है। सिर्फ अगर बात करें हम यहाँ पर जो आंध्र, मतलब आपका जो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, इसमें सरासर जो अक्सर है कम कट ऑफ जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्म ज़्यादा फिलअप नहीं करे जाते। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर 16 वैकेंसी होने के बावजूद अगर यहाँ पर फॉर्म भी आए होंगे तो भी यहाँ पर जो है 35 कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम जो है फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, इसी वजह से यहाँ पर 35 पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं उतने में स्टेट में एक भी स्टेट में आपका जो है सिलेक्शन 35 पे नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, अगर कोई आपको बता रहा है 35 पे आपका सिलेक्शन होगा तो वो झूठ बोल रहा है, आपका सिलेक्शन 35 पे नहीं होगा। आपको सच बात ही बताना हमारा काम है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। सच यही है कि आपका 35 पे सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं क्या 40 पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पर वैकेंसी ही इतनी कम है तो यहाँ पर जो है शायद ही एसटी कैटेगरी का 40 पे सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको 40 है और नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स प्लस हो जाते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर अभी कुछ कैंडिडेट कहेंगे सर 35 वाले का भी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन हाँ इसका अगर नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स बढ़ जाता है तो इसका 45 होगा। अगर 45 वाले का 10 मार्क्स बढ़ जाता है तो उसका 55 होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसका भी होगा और आपका भी होगा। तो यहाँ पर 45 वाले के चांस बनते हैं, मतलब 40 वाले के यहाँ पर अगर बात करें हम तो लगभग जो है आपके यहाँ पर 45 चांस बनते हैं कि आपका 40 पे सिलेक्शन होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा, हो सकता है, इसीलिए जो है आपका 40 पे सिलेक्शन हो सकता है, 100% नहीं, 45% आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है सिर्फ एसटी कैटेगरी में। और यहाँ पर फीमेल में बात कर रहे हैं हम, तो फीमेल में आपका सिलेक्शन हो सकता है, मेल में सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे तो आप देख लेना, लेकिन देखिए सच बातें किसी को भी हजम नहीं होती, लेकिन सच तो सच है। यहाँ पर आपको धोखे में रखना गलत बात है, इसीलिए मैं आपको सच बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 45 पर, मतलब 40 पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे 45 मार्क्स वाले की। तो देखिए 45 मार्क्स वाले का यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो सकता है, यहाँ पर इसके 50% चांसेस है, जो कि कुछ चुनिंदा जो स्टेट है यही पर इनके चांसेस है। जैसे होगा यहाँ पर अंडमान निकोबार, इसमें सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्म बहुत ही कम भरे गए। इसी तरह अगर बात करें हम यहाँ पे दादर नगर हवेली, तो इसमें भी आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है।
क्योंकि यहाँ पर जो है 45 में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है 15% ही जो है फॉर्म भरे जाते हैं और यहाँ पर 25% जो है कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा जो है फोर्स का वैल्यूएशन नहीं माना जाता, इसलिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो उसी तरह अगर बात करें हम यहाँ पे 50 वाले की, तो देखिए 50 वाले का चांस बनता है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज कर दीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर से रिप्लाई देता हूँ और सभी कैंडिडेट को जो है मैं वहाँ पर रिप्लाई दे देता हूँ। अगर बात करें अभी हम 50 मार्क्स वाले की, तो देखिए 50 मार्क्स वाले का SC और ST कैटेगरी से जो है सिलेक्शन हो सकता है मेल में। वो सिर्फ अगर बात करें हम तो जो स्टेट पिछली बार कट ऑफ में कम रहे थे, जैसे कि गोवा, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन तरह के स्टेटों में आपका जो है 50 पर सिलेक्शन हो सकता है, ना कि दिल्ली, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, इन जैसे सिटी पर आपका 50 पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पिछली बार भी कट ऑफ हाई गया था और इस बार भी जो है आपका कट ऑफ हाई जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपका 50 पर सिलेक्शन नहीं होगा, सिवाय गोवा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इन जैसे स्टेटों में जो है आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी बात कर लेते हैं 50 वाले की। देखिए मेल में आपका अगर नॉर्मलाइजेशन हो भी गया तो आपके 10 मार्क्स बढ़ेंगे, जिसमें 60 आते हैं, और यहाँ पर अगर आपके 60 बनते तो 60 वाले के भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में 70 बन जाएंगे। तो इसी वजह से ध्यान रखिए कि आपका जो है 50 बिलो तो है, जो है आपका 50 बिलो यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाएगा। तो जो भी आपको बताएगा कि आपका 50 पे सिलेक्शन हो जाएगा तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 50 बिलो पे जो है आपका कट ऑफ नहीं जाता, यहाँ पर अबव 50 ही कट ऑफ जो है कुछ स्टेटों में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है वैकेंसी बहुत ही कम है स्टेटों में, तो इसी वजह से जो है आपका यहाँ पर 50 पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। और यहाँ पर अगर बात करें हम 70 या 65 ऐसे कैंडिडेट, तो इनका सिलेक्शन होने के चांसेस है, वो सिलेक्शन हो भी सकता है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि कुछ ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही सिलेक्शन के चांसेस है, वरना यहाँ पर OBC या जनरल का जो कट ऑफ है वो हाई ही जाता है। कुछ सिटी में यहाँ पर आपको सिलेक्शन के चांसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ सिटी में नहीं, मतलब जैसे कुछ स्टेट यहाँ पर जो है फॉर्म कम भरे जाने की वजह से जिसका कट ऑफ हमेशा कम जाता है, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।